प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर। पिछले वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी, डेफिनेशन, अकरेंस, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसकी अल्ट्रास्ट्रक्चर के बारे में और उसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम इंटररिलेशनशिप बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर मेम्ब्रेन्स के साथ इसका क्या इंटर रिलेशनशिप है और इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें और मॉडिफिकेशंस जो हैं उनकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉडिफिकेशंस जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मुख्य मॉडिफिकेशंस जो हैं वो या तो ये सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में प्रेजेंट हो सकती है। इसकी दूसरी मॉडिफिकेशन जो है ये अर्गेस्टोप्लाज्म या जिसे हम बेसोप्लाज्म या जिसे हम क्रोमोइडल सब्सटेंस बोलते हैं उसके रूप में प्रेजेंट हो सकती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो माइलॉयड बॉडीज के रूप में भी जो है आपके मॉडिफाई हो सकती है और ये एनुलेटेड लैमेली के रूप में। तो ये चार मुख्य मॉडिफिकेशंस हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उपस्थित होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये एक हाईली मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो एक नेटवर्क के रूप में रहती है और आपस में कनेक्टेड रहती है, और जो ब्रांच्ड इसके ट्यूब्यूल्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली जो हैं सारकोप्लाज्म जो स्पेसिक स्पेसिस हैं सारकोप्लाज्मिक स्पेसिस के उसके थ्रू आउट लेंथ जो है आपके प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, सार्कोमियर ऑफ मसल फाइबर। तो मसल फाइबर की सार्कोमियर के अंदर ट्यूब्यूलर नेटवर्क के रूप में ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होती है। और ये सबसे पहले रिपोर्ट की थी वैराटी ने 1902 के अंदर इसको रिपोर्ट किया था। और ये जो होता है एट द लेवल ऑफ एच जोन इट इज कॉल्ड सेंट्रल सिस्टर्नी, जो ये सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे उसको सेंट्रल सिस्टर्नी बोलते हैं। यहाँ पे ये एक सीव लाइक स्ट्रक्चर बनाती है मायोफाइब्रिल्स के चारों तरफ। जहाँ पे आई बैंड होते हैं वहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स जो होते हैं मर्ज करके टर्मिनल सिस्टर्नी जो है उनका निर्माण करते हैं। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है एज सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मुख्य कार्य होता है इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी रिच मटेरियल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन। तो जो आपके मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन है उसके अंदर जो है आपके उसको एनर्जी रिच मटेरियल जो प्रोवाइड करने का कार्य है वो आपके सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। दूसरा, ये एक चैनल प्रोवाइड करती है फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए एक ये चैनल भी प्रोवाइड करती है। और तीसरा, इसका जो कार्य होता है इट आल्सो हेल्प्स इन एक्सपेलिंग ऑफ लैक्टिक एसिड। तो जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है मसल के अंदर, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस समय ये जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है उसको बाहर एक्सपेल करके मसल फैटीग जो है उसको रोकने का काम भी करती है। तो ये मुख्य तीन कार्य होते हैं जो सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है मसल के अंदर। दूसरी मॉडिफिकेशन जो इसकी होती है वो होती है अर्गेस्टोप्लाज्म या बेसोप्लाज्म या जिसे हम क्रोमाइडल सब्सटेंस बोलते हैं उसके रूप में। ये जो होती है अर्गेस्टोप्लाज्म, ये इट इज एन एक्यूमुलेटेड मास ऑफ सिस्टर्नी विद राइबोसोम, यानी ये RER है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है ऑफ सम मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। तो जैसे अगर हम बात करें तो कुछ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स जैसे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर ये अर्गेस्टोप्लाज्म के रूप में प्रेजेंट होती है। और ये जो टर्म है इट वाज क्वाइंड बाय गार्नियर 1899 में, उसने इसको क्वाइन किया था। तो जो न्यूरॉन का साइटोन है सच बॉडीज जो ये जो इस अर्गेस्टोप्लाज्म के रूप में प्रेजेंट होती है ER, उसे हम निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं या इसे हम ट्राइगॉइड ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। और चैपर्सन ने 1955 में उसने ये पाया कि जो बेसोफिलिक नेचर है इनकी वो RNA की प्रेजेंस की वजह से होती है। तो इनकी जो बेसिक अर्गेस्टोप्लाज्म है ये बेसिकली
बेसिक नेचर में होती है, और ये जो बेसिक नेचर है वो आरएनए की उपस्थिति की वजह से होती है। तो जो फंक्शंस हैं इसके, वो प्रोटीन सिंथेसिस इसका मुख्य फंक्शन है ऑर्गेनोप्लाज्म के। तीसरी जो मॉडिफिकेशन है वो है माइलॉयड बॉडीज के रूप में। ये जो माइलॉयड बॉडीज हैं ये रेटिनल सेल्स, जो रेटिना की सेल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, एंड ईच माइलॉयड बॉडी इज ए बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर में होती है, जो 4 से 5 माइक्रोन लंबी होती है, और ये एक स्टैक के रूप में एक दूसरे के ऊपर पैक्ड ट्यूब्यूल्स के रूप में उपस्थित होती हैं। सो ये मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं जो राइबोसोम के साथ एसोसिएटेड नहीं होती, एंड दीज आर प्रोबली रिलेटेड विद फोटो रिसेप्शन के अंदर। इनका जो मुख्य रोल है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होकर फोटो रिसेप्शन का इनका मुख्य कार्य होता है। चौथी जो मॉडिफिकेशन है वो है इनकी एनुलेटेड लैमेली के रूप में। जो एनुलेटेड लैमेली हैं ये जो आपके इमेच्योर ओसाइट्स हैं और जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनके अंदर उपस्थित होते हैं, एंड वर फर्स्ट रिपोर्टेड इन द ओसाइट ऑफ सी अर्चिन के अंडे के अंदर, सबसे पहले जो है एग के अंदर इसको एफ जेलियस ने 1955 में रिपोर्ट किया था। लेटर जो है ये जो है एम्फीबियन ओसाइट्स इवन पीटल सेल्स उनके अंदर भी, या उन कोशिकाओं में जिनकी हाई मेटाबॉलिक रेट होती है उनके अंदर उपस्थित होती हैं। तो ये जो होती हैं दीज अक्कर आइदर इन द फॉर्म ऑफ फ्रीज अनस्टैक्ड वेसिकल्स के रूप में भी उपस्थित हो सकती हैं, या ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक के रूप में भी उपस्थित होती हैं। तो अनस्टैक्ड वेसिकल की फॉर्म में या स्टैक एनुलेटेड लैमेली के रूप में जो है वो ये उपस्थित होती हैं, और 2 से 12 इनका जो नंबर है इट वेरीज फ्रॉम 2 to 12 नियर द न्यूक्लियस। जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं ये इनके बीच में जो इंटरस्पेस है वो 20 से 40 माइक्रोन तक हो सकता है इनके अंदर, एंड दीज पोजेस द पोर्स एंड पोर कॉम्प्लेक्सेस भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इनके अंदर आरएनए कंटेंट्स भी उपस्थित होते हैं, परंतु बहुत कम मात्रा में जो है इनके अंदर ये आरएनए प्रेजेंट होता है, और ये अराइज करती हैं बाय इवेजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इवेजिनेट करकर एक ब्लेब के रूप में, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये ब्लेब का फॉर्मेशन, जो एक वेसिकल का फॉर्मेशन हो रहा है इसे बोलते हैं ब्लेबिंग। तो इनका जो ओरिजिन है एनुलेटेड लैमेले का ये ब्लेबिंग के रूप में होता है, जो शॉर्ट लिव्ड होता है और एकदम से ये जल्दी से टूटकर स्मॉल साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स का उनको बना देता है। तो ह्यूबम 1965 ने ये सजेस्ट किया था कि जो एनुलेटेड लैमेले हैं ये एक इंटरमीडिएट स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की मॉडिफिकेशंस जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो सकती हैं। आगे हम बात करते हैं कि इंटररिलेशनशिप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर मेम्ब्रेन्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरी मेम्ब्रेन्स के साथ क्या इंटररिलेशनशिप है। तो वाटसन 1955 में सबसे पहले ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि कॉन्टिन्यूटी बिटवीन द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द ईआर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ईआर के साथ कॉन्टिन्यू रहती है, और जो ईआर है ऑल्सो शोज कनेक्शन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गोल्जी बॉडी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी ये कनेक्टेड हो सकती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी, और दूसरी जो आपके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं उनके साथ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड होती है। और इसके जो सजेशन ये दी हैं कि जो इंटररिलेशनशिप में दूसरे, तो कैसे इसका एसोसिएशन रहता है। पहला, ये जो एक्टोकैरियोथीक ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है एक्टोकैरियोथीका, उससे वेसिकल्स की फॉर्म में ब्लेबिंग के रूप में ये निकलती है, ठीक है। तो अगर हम इसको उसके अंदर भी देखें तो जस्ट ए मिनट, ब्लेबिंग के रूप में ये उपस्थित होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो ब्लेब्स निकल रहे हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये एक्टोकैरियोथीका आउटर मेम्ब्रेन, और यहाँ से ये जो ब्लेब निकला, ये जो वेक्यूलर स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं जिसे हम ब्लेब बोलते हैं,
ये उनसे उसका फॉर्मेशन है। तो ये ए, यहाँ पे ए पॉइंट का यहाँ पे ए दिखाया हुआ है। सेकेंड जो है, दीज वेसिकल फ्यूज टू फॉर्म मैनुलेटेड लैमेली। तो ये जो ब्लेबिंग है, ये जो वेसिकल्स हैं, ये आपस में फॉर्मेशन, आपस में एक दूसरे से जुड़कर एनुलेटेड लैमेली जो है उसका निर्माण करते हैं। सी जो है, एनुलेटेड लैमेली लूज देयर पोर कॉम्प्लेक्स, अपने पोर कॉम्प्लेक्स को वो त्याग कर उनके साथ राइबोसोम एसोसिएट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट प्रोड्यूसेस ट्रांजिशन वेसिकल विच फ्यूज टू फॉर्म सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये सिस्टर्नी फोर्थ जो है, डी, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर्नी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ फ्यूज कर उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो है ई, गोल्जी बॉडी जो होती है, ये फॉर्म्स अ वेसिकल विच फ्यूज टू फॉर्म प्लाज्मा लेमा। तो ये इसके जो वेसिकल्स हैं, ये प्लाज्मा लेमा के साथ फ्यूज होकर प्लाज्मा लेमा का निर्माण करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण भी करते हैं। एफ इज, गोल्जी बॉडी ऑल्सो गिव राइज टू सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स एंड प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम और जो है आपके सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स का निर्माण भी गोल्जी बॉडी करता है। प्लाज्मा लेमा जो होता है वो दैट इनवेजिनेट्स, जी वाला जो आपके पॉइंट है, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट्स टू फॉर्म पिनोसाइटिक वेसिकल्स। तो ये पिनोसाइटिक वेसिकल्स जो हैं, ये जी, ये आपके पिनोसाइटिक वेसिकल्स बन रहे हैं। दीज पिनोसाइटिक वेसिकल्स एंड प्राइमरी लाइसोसोम्स फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये और जो आपके पिनोसाइटिक वेसिकल है और जो प्राइमरी लाइसोसोम है, ये फ्यूज होकर आपके निर्माण करते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। और इसके बाद जो है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट लूजेस राइबोसोम टू फॉर्म SER। तो ये क्या करती है, उसको लूज कर SER का निर्माण करती है, जैसे यहाँ पे इसके अंदर दिखाया हुआ है। तो ये आपके आई जो है आपके, ये इज फॉर्मेशन ऑफ जस्ट बाय लूजिंग राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में, इसका ओरिजिन और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।